बॉयज उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो बॉयज मैं दो दिन से ब्लॉग नहीं बना सकता था क्योंकि मेरे पास कोई कंटेंट था ही नहीं ब्लॉग बनाने का। घर से बाहर नहीं जा रहा था, कॉलेज से आता था घर होता था क्योंकि कुछ करने को था नहीं। तो यार किया कि मैंने लाइन करानी है तो इसकी लाइन कराएंगे, और अपने कज़न को गाड़ी का काम करा रहा है उसकी गाड़ी का काम दिखाएंगे वो क्या करा रहा है। और अपने कज़न से यार रब्ता करते हैं, उन्हें मैंने यार किया कि नहीं ली थी तो किया नहीं ली थी तो उनसे मैं उन्होंने मुझसे ट्रीट मांगी थी, मैं उन्हें ट्रीट भी नहीं दे रहा था तो इसी बारे में क्या ट्रीट भी दे देते हैं और व्लॉग भी बना लेते हैं। सारे कज़न से आपको मिलाएंगे, सारे कज़न इकट्ठे होंगे और इन्जॉय करेंगे फुल। चलें फिर आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइज मेरा कज़न से रब्ता हुआ था तो वो कह रहा था कि उसने गाड़ी का काम सुबह ही करा लिया है, असल में उठा लेट था इस वजह से मैं नहीं जा सका उसके पास। तो सारों को मैं रात को इनवाइट कर लिया है तो रात को फिर उनसे मुलाकात होती है। तो मैं सोच रहा था कि अगली शायद वीडियो में होम टूर भी लेके आऊं, वो मेरे चाचू का घर है ये हमारा है। तो अब देखते हैं शायद मेरा अगला व्लॉग होम टूर हो। और चलें फिर आपको अभी थोड़ी देर तक निकलते हैं, किया के जो काम मैंने आपको बताया वो कराते हैं और फिर आगे फिर रात को मैंने आपको बताया था पेट्रोल पंप भी जाना है वो भी आपको दिखाऊंगा अपना, और अपना रेस्टोरेंट भी दिखाऊंगा क्वीन जो सरगोधा के अंदर है। गाइस मैं जाने ही लगा था तो माई लाइट ख़राब हो गई और काफ़ी देर बाद मैंने वापडा वालों को फ़ोन किए तो अब आए हैं वो। तो पहले यार ये काम ज़रूरी है क्योंकि लाइट ही नहीं थी घर, अब जनरेटर ऑन किए हुए कब से। बाहर चलते हैं, वापडा वाले आए हुए हैं, देखें जी वापडा वाले आए हुए हैं निकलने। लाइट तो ठीक हो रही है, अंदर चलते हैं थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। ये खड़ी है अपनी किया, अभी सेम सारा धुल रहा है। चलें फिर, उम्मीद तो है आज किया का काम हो जाए। हम निकल आए थे तो यार वापडा वाले आ गए थे, काफ़ी देर लगा दी उन्होंने। तो अब हम जा रहे हैं, आपको जैसा कि सुबह बताया था किया का एक छोटा सा काम था, लाइन वो कराने जा रहा हूँ, उसके बाद जाएंगे पेट्रोल पंप, पेट्रोल फुल कराएंगे इसका और फिर आपको वहाँ दिखाता हूँ हमारा पेट्रोल पंप कैसा है। और फिर उसके बाद जाएंगे कज़न के पास, वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, फिर रात को आपको पता है जैसे कि मेरी तरफ से ट्रीट है सारे कज़न्स को, फिर आपको अपना और रेस्टोरेंट भी दिखाएंगे जो हमने बनाया हुआ है। तो चलें आपको अभी रास्ते में दिखाते हैं जा रहे हैं गाड़ी का काम कराने। जिस चीज़ की बात कर रहा था वो ये थी, अब देखें ये गाड़ी ये इस तरफ जा रही है तो ये बस ये लाइन करानी है और यही काम है। मैं गैस दिखा दूँ, बड़ी इस तरफ जा रही है। तो गाइस हम फिर दोबारा वहीं आ चुके हैं जहाँ पहले आते थे, जहाँ फर्स्ट ब्लॉग में मैं यहीं आया था। यहाँ कार मॉडिफाई होती है, मॉडिफिकेशन होती हैं कार की। तो गाइस मैं पहुँच गया हूँ जहाँ से मैंने गाड़ी का काम कराना है, ये वो शॉप है तो इन्हें जाके मिलते हैं अंदर। हम आ गए थे मैं लाइन कराने अपनी गाड़ी, ये खड़ी है, ये अब हो रहा काम, अभी वेटिंग पे हैं, इसका काम हो जाता है तो फिर अब फिर हमारी गाड़ी का नंबर आएगा। यार अपनी गाड़ी का नंबर आ गया तो पता चला इस टायर का कैमर भी आउट है तो उस वजह टायर खा रही है। लाइन तो कर रहे हैं वो सीधी, अब ये कैम्बर भी है काम आ गया इसके अंदर, कैम्बर भी कराते हैं। भाई मैं अपनी गाड़ी की शाइन देख रहा था, माशाल्लाह आज बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है। वैसे मैंने इसे पॉलिश कराया था, ये माशाल्लाह तेरी आज पॉलिश कराई है तो मैं इस पर पॉलिश यूज़ करता हूँ क्रॉसमेटिक या हार्ड वैक्स की। अच्छा तो भाई मुझे याद आया मैं अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज कर रहा था तो भाई ने कहा गाड़ी के अंदर लगा दो
मैंने कहा पहले वो नंबर प्लेट फिट कर लूँ, थोड़ी सी नीचे करनी पड़ेगी, बस ये पड़ी है नंबर प्लेट इसकी। अब ये आपको फिट करके दिखाते हैं। भाई हमारा काम हो गया था और अब हम जा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहीं दफ़ा बता दिया कि अब हम पेट्रोल करवाने जा रहे हैं अपनी गाड़ी का, और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं अपना काम। तो बॉयज हम पहुंच गए अपने पंप पे, ये ऑयलको के नाम से। मस्जिद है सामने, अब देखते हैं इसका टैंक कितने का फुल होता है। तो भाई ये हमारा पंप और ये खड़ी है किया, और वो वही जगह भी हमारी है, ये ड्रेमा के पास है जो मियाँ वाली वैसी रोड है उसके ऊपर, और ये सनसेट। और पेट्रोल डलवा लिया, अब हम जा रहे हैं यहाँ से, और अब कजन्स को बोलते हैं आ जाओ। टाइम भी अभी मैंने 8 o'clock का दिया हुआ था, अभी 7 o'clock हो रहे हैं, तो मेरे मुझे यहाँ से जाते जाते भी आधा घंटा लग जाना क्योंकि रश बहुत है, वीकेंड है आज, तो देख सकते हैं ट्रैफिक कितनी आ रही है यहाँ से। आपको अपने रेस्टोरेंट के अंदर से सारा दिखा दूंगा व्यू सिटिंग। एक चीज दिखाना ही भूल गया जो मैंने आपको बोला था, मेरी गाड़ी का टैंक कितने का फुल होगा। चले कोई बात नहीं यार, मैं जल्दी में निकला था, कजन्स का फोन आया था कि हम आ रहे हैं, उनमें से एक कजन बहुत जल्दी में था, कहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास ही आके बैठता हूँ रेस्टोरेंट पे। मैंने कहा आ जाओ, कोई मसला नहीं। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, इसका टैंक फुल हुआ 11,000 में, तो मैंने कहा पहले ही बता दूँ। तो अब चलते हैं, चले रेस्टोरेंट पे, कजन वेट कर रहा है हमारा। हाँ जी, तो हम अपने रेस्टोरेंट में पहुँच गए, दिखाते हैं आपको बकाया। ये एंट्रेंस है हमारे होटल की, ये लॉबी टाइप बनी हुई है, आगे ये एक हॉल है जहाँ हमने बैठ कर खाना खाना है, ये वो फैमिली हॉल है, ये किचन है। तो गाइस ये सीटिंग, ये ओपन में हमने की हुई है सीटिंग, और बकाया ये हॉल है, यहाँ मीटिंग हॉल भी, और लोग बर्थडे भी करते हैं सेलिब्रेट। तो गए ये हमारा कज़न भी आ गया था नियाल, जो कह रहा था मैं बोर हो रहा हूँ, मैं कह आज बकाया भी आ रहे हैं, वो आते हैं तो उनसे भी आपको मिलवाते हैं, और एक और हॉल भी है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो गए ये हमारी सिटिंग है, हम सारे कज़न यहीं बैठ के खाना खाएँगे, और ये हॉल है, यहाँ भी बर्थडे होती है या कोई मीटिंग वगैरह हो, बैंक वालों की मीटिंग भी यहाँ होती हैं। ये वॉलपेपर, तो गाइस कज़न आ गए थे तो खाना ऑर्डर कर दिया था, तो अब खाना आ गया, सारे खाने लगे हुए हैं, हम भी खाते हैं, फिर आपको फ्री होकर दिखाते हैं आगे क्या सीन है। ये अब जाने की तैयारी है हमारी, तो हम चलते हैं। हेलो, ये भाई हमारा फैन कह रहा था हमें ब्लॉग में नहीं लेके आए, तो इसे ब्लॉग में ले आते हैं, इसने स्पेशल शर्ट चेंज की है ब्लॉग में आने के लिए, इधर हर चीज़ बताई जाएगी इंशाल्लाह। तो गाइज हम सारे फ्री हो के निकल गए थे, अब कहीं रोड पे रुकते हैं और इकट्ठे खड़े होते हैं, आपको इनकी कार्स भी दिखाते हैं अपने कज़न की, एक ये जा रही है, एक पीछे आ रहा है कज़न, एक ये सामने जा रहा है,
फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पहुँच के सारी गाड़ियाँ, सारे माशाल्लाह गाड़ी के शौकीन हैं। हाँ जी, तो अभी आपस में बात कर रहे हैं हम सारे कि किधर जा कर खड़ा होना है, तो सारे आपस में हम बात करके जब हम सारे इकट्ठे हो ना, हमारा यही काम होता है। ये ये पीछे आ रहा है, ये भी अभी साइड से जाएगा। इसकी गाड़ी भी दिखाता हूँ, वेद 15 की एवरेज 6 AC। जी एक ये गाड़ी खड़ी है सिटी, एक ये एक्वा है, ये अल्टिस है 12 मॉडल, वो अपनी किया खड़ी है, लेकिन अभी रात है कोई नज़र ही नहीं आ सक रहा। ये PF रोड। तो गाइस यहाँ ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ, तो आज के ब्लॉग में बस यही था। नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ अपने होम टूर का ब्लॉग बनाऊँ, तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।